अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको सेफ स्टार इंजेक्शंस के बारे में बताऊंगी। सेफ स्टार इंजेक्शंस जो हैं वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हैं जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस में काम करते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छे इंजेक्शंस हैं वो है सेफ स्टार इंजेक्शंस हैं। और सेफ स्टार इंजेक्शंस में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है सेफीपाइम। और ये जो है इसमें तीन तरह के इंजेक्शन्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें 1000 मिलीग्राम का इंजेक्शन भी पाया जाता है, इसमें 500 मिलीग्राम के भी इंजेक्शन पाया जाता है और इसमें 250 मिलीग्राम इंजेक्शन भी पाया जाता है। अब मैं आपको इसकी कीमत भी बताती जाती हूँ। 1000 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है इसमें वो है 717 रुपये का, और जो 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन है वो है 400 रुपये का, और जो 250 मिलीग्राम का इंजेक्शन है वो है 200 रुपये का। और इसकी कंपोजिशन में जो फार्मूला है वो है सेफीपाइम, जो कि एक एंटीबायोटिक है, और इसको जो है वो आईवी भी लगाया जा सकता है और आईएम भी लगाया जा सकता है, यानी इंट्रावीनस भी इसको वेन में भी लगाया जा सकता है और मसल्स में भी। तो ये आईवी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आईएम में भी। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताती हूँ कि इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो ये सबसे पहले तो एक एंटीबायोटिक है और इसीलिए ये बहुत सारे इन्फेक्शन में काम करता है। उसमें न्यूट्रोपेनिया है, न्यूट्रोपेनिया जो होती है वो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट जब बहुत कम रह जाती है, उसकी मिकदार खून में न्यूट्रोफिल्स जो कि सफ़ेद खुलिये होते हैं उनकी मिकदार बहुत कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रोपेनिया। उस कंडीशन में भी सेफिस्टार यानी कि सेफीपाइम इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। फिर है नमूनिया, नमूनिया के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मुफीद है। टीबी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। साइनोसाइटिस के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। और पाइलोनेफ्रिटिस जो है वो गुर्दे की बीमारी होती है जिसमें गुर्दा जो है वो सूज जाता है, यानी कि गुर्दे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। यूटीआई के इन्फेक्शन में भी सेफिस्टार बहुत ज़्यादा मुफीद है, और जो प्रोस्टेट के मरीज हैं वो भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स हैं जिनको टॉन्सिल की तकलीफ है वो भी सेफिस्टार के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और जिनको फेरेंजाइटिस है यानी जिनका गला ख़राब होता है और उसके साथ बुखार होता है उसको फेरेंजाइटिस कहते हैं, फेरेंजाइटिस के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ओटाइटिस मीडिया जो होता है यानी कि कान का इन्फेक्शन होता है, इसमें कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो जो कान का इन्फेक्शन है उसके लिए भी सेफिस्टार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। टाइफाइड जिन लोगों को होता है जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं उसके लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेनिनजाइटिस के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जिनको हड्डियों का इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी सेफिस्टार बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जिनको ब्रोंकाइटिस होता है यानी सांस की तकलीफ होती है उसके लिए भी सेफिस्टार बहुत अच्छा होता है। और ब्रोंकियोलिटिस जो कि बच्चों में लंग इन्फेक्शन को कहते हैं, बच्चों के फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं ब्रोंकियोलिटिस, तो ब्रोंकियोलिटिस के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। और इसके यूजेस में आपको मैं बता दूं कि जो फॉलिकुलाइटिस है यानी कि इसमें स्किन के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जिल्द की बीमारियां, जिल्द के अमराज, उसके लिए भी सेफिस्टार बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। यानी कि फॉलिकुलाइटिस जो है जो हमारी जिल्द पर सुर्ख कलर के दाने आ जाते हैं, जो बम्प्स होते हैं और या दाने होते हैं, फंसे फोड़ियाँ होती हैं, तो उनके लिए भी सेफिस्टार बहुत ज़्यादा मुफीद है। फ्यूरनकलोसिस जो पीप वाले दाने होते हैं उनके लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और जिनको एक्जिमा होता है यानी कि सुर्ख कलर की पैचेस पड़ जाते हैं जिल्द के ऊपर, तो उसके लिए भी सेफिस्टार बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इम्पिटाइगो जो अक्सर बच्चों में होता है कि बच्चों के मुँह और होंठों के गिर्द और नाक के गिर्द हाथों पाँव पर जो है वो छोटे छोटे से छाले टाइप निकले होते हैं, तो उनको इम्पिटाइगो कहते हैं। उस इम्पिटाइगो के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुफीद है। जो लोगों को गर्मी दाने निकलते हैं, एक्नी वगैरह होती है, उसके लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा मुफीद हैं। और जिनको सेलुलिटिस की बीमारी होती है, सेलुलिटिस जो है वो इस तरह से होता है कि जो आपके टांग अक्सर टांगों पर होता है, इसके अलावा भी जिस्म के किसी हिस्से पर हो सकता है, और उसमें जो है वो सुर्ख हो जाती है, अफेक्टेड एरिया जो है वो सुर्ख होता है और फूला हुआ होता है, सूजन उसमें होती है। और ये जो है ये पहले थोड़ा सा एरिया होता है जो कि सुर्ख होता है और सूजा हुआ होता है, और फिर ये साथ साथ बढ़ता रहता है, तो इसको कहते हैं सेलुलिटिस। सेलुलिटिस के लिए भी सेफिस्टार जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद इंजेक्शन है। और फिर एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जो है वो भी इस तरह की एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो बेसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है, जो कि अक्सर मिट्टी में पाया जाता है, और मिट्टी के साथ जब हमारे हाथ वगैरह लगते हैं या
हमारे कांटेक्ट में आती है मट्टी, तो उसकी वजह से ये जो एंथ्रेक्स है यानी कि बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है वो हमारे हाथों को लग जाता है, हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से को लगता है तो उसे इन्फेक्टेड कर देता है, और अगर ये हमारी सांस की नाली के अंदर चला जाए तो ये हमें 2 से 3 दिन में इससे मौत भी वाकई हो सकती है। और अगर हाथों वगैरह पर कहीं लग जाए तो उसमें ये होता है कि पहले छोटा सा एक दाना बनता है और फिर उसके बाद ये जो है ये बढ़ता रहता है, इसको कहते हैं एंथ्रिक्स। और एंथ्रिक्स के लिए भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब मैं आपको इसकी डोजेज के बारे में बताती हूँ कि इसको 2 माह से कम बच्चों को नहीं लगाना, और जो 2 साल से दो माह से दो साल के बच्चे हैं यानी कि 2 महीनों से लेकर 2 साल के जो बच्चे हैं उनको आपने 250 मिलीग्राम वाला सेफिस्टार इंजेक्शन लगाना है, और जो 5 साल से बड़े हैं उनको 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 मरतबा लगाना है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको 1000 मिलीग्राम का सेफिस्टार इंजेक्शन दिन में 2 मरतबा लगाना है। अब मैं आपको कुछ बीमारियों के हवाले से बताती हूँ कि कितने दिन इसको इस्तेमाल करना है। तो नमूनिया में इसको 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, 10 दिन तक ये इंजेक्शन लगाने हैं, और यूटीआई अगर बच्चों में है तो उनको 7 से 10 दिन तक ये इंजेक्शन लगाने हैं, और अगर यूटीआई एडल्ट्स को है तो 5 दिन के लिए सेफिस्टार के इंजेक्शन उनको बीडी लगवाने हैं। और जिनको रिपीटेडली टेम्परेचर होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, तो वो इसको 7 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जिनको पाइलोनेफ्रिटिस है यानी कि गुर्दे की जो उनका गुर्दा फूल जाता है, गुर्दे की बीमारी है, उसके लिए इन्होंने 7 से 10 दिन तक सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन अगर किसी को होते हैं यानी कि पेट में दर्द या क्रैम्प्स या जिस किस्म के भी पेट के मसाइल होते हैं, तो उसके लिए आपने सेफिस्टार को फ्लाइजिल या मेट्रोनिडाजोल की किसी भी उसके साथ आपने मेट्रोनिडाजोल के साथ आपने सेफीपाइम को इस्तेमाल करना है। तो इस वक्त सेफीपाइम हमारे पास सेफिस्टार है, और अच्छा मेट्रोनिडाजोल जो है वो फ्लाइजिल ही आजकल बहुत चलता है, तो सेफिस्टार और फ्लाइजिल इन दोनों को आपने इन दोनों को एब्डोमिनल पेन के वक्त यानी जो भी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन है, उनके लिए सेफिस्टार और फ्लाइजिल दोनों इंजेक्शन आपने लगा देने हैं, और उसको आपने 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। तो सेफीपाइम और मेट्रोनिडाजोल से जो है वो एब्डोमिनल इन्फेक्शंस का इलाज किया जा सकता है 7 से 10 दिन तक। और अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ कि इसके इस्तेमाल करने से आपका दिल खराब हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, और आपको दस्त भी लग सकते हैं, मोशन लग सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके सर पर चक्कर आ सकते हैं, आपको दौरे भी पड़ सकते हैं, ओरल कैंडिडियासिस यानी कि आपका मुंह भी पक सकता है। और ओरल कैंडिडियासिस इस तरह से होता है कि जिसमें वाइट वाइट कलर के पैचेस होते हैं आपकी जुबान पर, गले में, और आपके जो होंठ हैं इनके ऊपर, तो इसको कहते हैं ओरल कैंडिडियासिस। ये भी हो सकता है आपको इसके एक साइड इफेक्ट में है, और इसके साइड इफेक्ट में हेलुसिनेशन भी है। हेलुसिनेशन इस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें मरीज जो होता है वो बिल्कुल उसको यानी कि असल में वो चीज़ नहीं होती लेकिन उसको नजर आ रही होती है, जैसे कि वो कहता है कि मुझे कोई बाहर बुला रहा है, मुझे किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, या बाहर कोई खड़ा है, इस किस्म के ख्यालात जिसको आते हैं उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो सेफिस्टार के साइड इफेक्ट में ये भी है कि इसके ओवरडोज से आपको हेलुसिनेशन का मसला हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है यानी कि आपको नींद की बीमारी हो सकती है जिसमें कि नींद पूरी नहीं आती, और प्रोराइटिस भी हो सकता है यानी कि आपको जो है खारिश भी लग सकती है आपके जिस्म पर। अब मैं आपको इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बताती हूँ कि ये किन मरीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जिनको सेफीपाइम से किसी किस्म की एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर जो गुर्दे के मरीज हैं वो भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, और जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जो कि बुजुर्ग हैं या जो बहुत बूढ़े हैं वो भी सेफिस्टार सेफीपाइम का इंजेक्शन का इस्तेमाल इसलिए ना करें क्योंकि उनके जो गुर्दे होते हैं फिर उनमें इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको सेफिस्टार इंजेक्शन इस्तेमाल ना कराएं, और जो हामला खवातीन हैं वो भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें, अगर करें भी तो डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो भी सेफिस्टार इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।